घर से दूर रहकर भी माँ के हाथों जैसी मिल जाए कढ़ी और चावल तो क्या बात है। हेलो एवरीवन, रश्मि हेयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नॉर्थ इंडिया की एक स्पेशल डिश जिसका नाम है कढ़ी। ये डिश मैंने सीखी थी अपनी माँ से, तो इसमें मैं यूज़ करूँगी कुछ ट्रिक्स जिनको आप यूज़ करके अपनी कढ़ी को भी और टेस्टी बना सकते हैं। तो देखते हैं रेसिपी। ये नॉर्थ इंडिया की एक फेमस डिश है जो बेसन और दही से बनती है। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक कटोरी बेसन, दही, खाने वाला सोडा, तड़का लगाने के लिए करी पत्ता, राई और खड़ी लाल मिर्च, और मसाले में मैंने ले लिया है मिर्च पाउडर, मेथी के दाने, हल्दी पाउडर, नमक और हींग। हींग कढ़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो अब यहाँ पर मैं ले लूँगी सबसे पहले बेसन। तो बेसन को मैं एक बड़े बर्तन में डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी। तो हमारी पूरी कढ़ी डिपेंड करती है इस पेस्ट पे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा पेस्ट बनेगा उतनी अच्छी हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी, और जितनी अच्छी हमारी पकौड़ी बनेंगी उतनी अच्छी हमारी कढ़ी बनेगी। तो कढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे अच्छा हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पेस्ट तैयार करने के लिए आपको पकौड़ी सॉफ्ट बनानी है, तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच गरम तेल, उससे भी हमारी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो अब मैं इसमें डाल ले रही हूँ बेकिंग सोडा और अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालने वाले हैं। फ्रेंड्स, पेस्ट को बहुत गाढ़ा और बहुत पतला नहीं बनाना है, और एक बात का ध्यान रखिए, पानी धीमे धीमे मिलाते रहना है जिससे कि उसमें लम्स ना पड़ जाएं, जो गांठ जैसी बढ़ जाती हैं वो, इसलिए बहुत ध्यान रखें। जब आपको लगे कि आपका पेस्ट बन गया है तो उसको एक किसी भी खाली बोल में पानी लेकर उसमें पेस्ट डालकर देख लें। अगर आपका पेस्ट फ्लोट करने लगता है तो इसका मतलब कि आपका पेस्ट एकदम रेडी हो गया है पकौड़ी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ी फ्लोट कर रही है। अब मैंने ले लिए एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। गरम हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी एक पकौड़ी। हमारा तेल एकदम गरम हो चुका है तो अब मैं और पकौड़ियाँ भी डाल दूंगी। पकौड़ियों को धीमे धीमे आंच पर पकने दें जिससे कि वो अच्छी तरीके से फूल जाए। फूल जाने के बाद ही उनको पलटें। अब मैं तैयार कर लूँगी इसका घोल, जिसके लिए मैंने ले लिया है बेसन को घोल लिया है पानी में। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही और बेसन के घोल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि वो एकदम एक से हो जाए। बेसन को मिक्स करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लकड़ी की बनी हुई मथानी, जिसको डैशर भी बोलते हैं, तो आप उसको यूज़ करके इसको मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बेसन और दही को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दोनों को मिला के। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें जिससे कि वो एकदम पतला सा घोल तैयार हो जाए। पकौड़ियों को सुनहरा भूरा होने तक के अच्छी तरीके से पका लें। तो देखिए हमारी पकौड़ियाँ पक चुकी हैं, तो इनको लगातार पलटते रहें। अब मैं इन पकौड़ियों को बाहर निकाल लूँगी और इनको एक तरफ रख दूंगी। इधर मैंने चढ़ा दिया है अपना प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर गर्म हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी तेल। तो मैंने तेल पहले वाला ही ले लिया है जो गर्म हुआ था। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी और इसके साथ हींग आधा चम्मच। हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसके साथ मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मैं चला दूंगी। अब मैं डाल दूंगी घोल जो मैंने पहले ही बेसन और दही का बना लिया था। आपको लगातार चलाते रहना, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो लगातार मैं चला रही हूँ, तो देखिए चलाते चलाते हमारी जो ये है कढ़ी में बॉयल आ गया है। तो बॉयल आने के बाद ही आप इसमें नमक डालें। आपको नमक पहले नहीं डालना है, क्योंकि नमक पहले अगर डाल देते हैं तो दही हमारा फट जाता है। फट जाना मतलब है कि दही अलग हो जाता है और वो उसमें टुकड़े जैसे आ जाते हैं। तो मैंने अब डाल दिया है इसमें नमक, और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसको थोड़ी देर ऐसे ही खोलने दूंगी। तो देखिए हमारा जो घोल है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो जैसे ही हमारा घोल गाढ़ा होने लगेगा, इसका मतलब कि वो बन चुका है, पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप ऐसे पकौड़े बनाना चाहते हैं तो इसमें सोडा और
आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अगर आपको लगे कि आपकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी बिगड़ी हैं तो उसको एक बार पानी में हल्का सा 2 या 3 मिनट के लिए सोख करके उसको भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने डाल दिया है, देखिए इसमें बॉयल आ गया है। तो हमारी कढ़ी एकदम तैयार हो गई है, धुआं भी निकल रहा है। और इधर मैंने तैयार कर लिया है उसका तड़का। तड़का में मैंने यूज़ कर लिया है राई, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च और करी पत्ता तो मैंने डाल दिया है। तो हमारी कढ़ी एकदम तैयार हो गई है चावल के साथ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहले चावल का वीडियो नहीं देखा है जीरे राइस का, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना तो भूलें नहीं, ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।